नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तो आज ठीक नहीं हूँ। मेरा मूड आज ठीक नहीं है। मतलब आज मैंने एक ऐसी बात सुनी जिससे मेरा दिल दहल गया। बता नहीं सकती कि मैं अंदर से कैसे झुंझला झुंझ मतलब मैं बता नहीं सकती उसे सुनकर मैं कैसे टूट गई अंदर से। कि ऐसे लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? कैसे? और इतनी बड़ी बात हो गई, तकरीबन 7 से 8 दिन हो गए, ये बात आज तक नेशनल टेलीविजन पर मतलब दिखाई ही नहीं गई, ऐसा कहा जा सकता है। सारे न्यूज चैनल में सिर्फ वोट, पॉलिटिक्स, वोट्स, राहुल गांधी, मोदी जी, सिर्फ वही सब दिखा रहे हैं। मैं नहीं बोल रही कि इलेक्शन छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, उसके लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है, पर हम उस वजह से इतनी बड़ी बात को अनदेखा कर दे? बताइए, एक लड़की को इतना सब सहना पड़ा, वो मतलब उसकी जान चली गई, वो कोई बड़ी बात नहीं उसकी? अगर किसी की माँ बहन के साथ ऐसा होता, अपनों के साथ अगर कुछ ऐसा होता, तो क्या कोई भी चुप रह पाता? मतलब सारे न्यूज चैनल वालों से ये पूछना चाहती हूँ, सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं, सच्चाई से काम कीजिए प्लीज। अगर आप लोग दुनिया को ठीक खबर नहीं पहुंचाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? मुझे ये बात 7 से 8 दिन बाद एक ऐसे यूट्यूबर के वीडियो के वजह से मुझे पता चला। वो मुझसे भी ज्यादा शायद गुस्से में और दुखी होगी। दुख तो सभी को लगेगा, पर वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। ये बात है कर्नाटका की मधु की। बात यह है कि कर्नाटका के बेंगलोर से 400 किलोमीटर दूर कुछ रायचूर गांव है। वहाँ के एक मंदिर के पास बहुत सारे घने घने पेड़ है। मंदिर का नाम मुझे पता नहीं है ठीक से। बहुत सारे घने पेड़ है। वहीं पे एक पेड़ पे एक लड़की लटक रही है, वो भी जली हुई। उसका एक हाथ भी कटा हुआ है। सोचिए, ये देखकर किसी को क्या लगेगा? वो बात कोई न्यूज चैनल वालों ने नहीं दिखाया। उसे वहां के कुछ लोगों ने उसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल नहीं हुआ है, छोड़ा, पोस्ट किया, तो तब उस पर कुछ पुलिस कंप्लेंट में कुछ हुआ। तभी भी सबको डर था ये कुछ मॉब करके दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारे न्यूज हुए। मधु एक सिविल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और वो एक नवोदय इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और मतलब वो जो मर चुकी है, इसे एक सुइसाइड का नाम दिया गया है। उसके बॉडी के पास एक सुइसाइड नोट मिला जिससे ये लिखा था कि मैं एग्जाम में फेल हो गई या कुछ कम मार्क आया है, इसीलिए मैं सुइसाइड कर रही हूं। ये कैसे हो सकता है? एक लड़की अपना हाथ काट के
एक पेड़ पर लटक कर खुद को जलाएगी या जलाकर हाथ काटकर पेड़ पे लटकेगी? कैसे? ऐसा इस स्टोरी को ऐसा दिखाया जा रहा है, पर उनके फैमिली मेंबर्स और वहां के कुछ लोगों का कहना है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, उनका कहना है कि उसके साथ गलत हुआ है, गंदा काम किया गया है। उसका उसकी बॉडी का निचला हिस्सा पूरी तरह जल चुका है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? एक आदमी हो या औरत, कैसे कोई किसी को ऐसा गंदा काम करके इसे जलाकर लटका सकते हैं? जो ये काम करते हैं, उनके अंदर क्या दिल नहीं होता? अगर उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा उन्हें? जब दिसंबर 2012 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद ऐसा कहा गया था कि फिर ऐसी कोई भी गंदा काम जैसे नहीं होगा। उसके लिए हमारा हमारी क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? ऐसे तो एक के बाद एक चलता ही रहेगा। पहले तो जितना भी हो चुका था, पर जब निर्भया निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जैसी चारों तरफ लोगों ने, मतलब हमारा गवर्नमेंट और लॉ जितना स्ट्रांग करके उनको इतनी जल्दी, हमारे इंडिया में कोई भी हमारे इंडिया में कोई भी अगर क्राइम होता है, उसका इतनी जल्दी नतीजा कभी नहीं निकलता। और जल्दी निकलना चाहिए था, पर उस टाइम जितने स्पीड से सब कुछ किया गया था, किसी को भी लगेगा कि नहीं, अभी हमारी घर की औरतें सेफ है। उसके बाद वो ज्योति वाला मामला हुआ, एक 7 साल की लड़की, छोटी सी कश्मीर की बेटी के साथ, उसके साथ भी ऐसा किया गया। क्या है ये? कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हम सब असुरक्षित हैं? सब बोलेंगे आप कुंग फू कराटे सीखो, पेपर स्प्रे लो, अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ करो। सब सही है, पर वो एक साइड में है, वो एक साइड में है। पहले हमारे, मतलब ये लड़के ऐसा क्यों करते हैं? सब औरतों को बोलेंगे, लेडीज को बोलेंगे, छोटे कपड़े मत पहनो, मर्दों को नजर उठा के देखो मत, उनसे दोस्ती मत करो, दुश्मनी किसी से मत करो, कोई भी कुछ कह दे अपने आप साइलेंट होके चली जाओ। या फिर कोई कहेगा आप अपनी सेफ्टी के लिए ये कीजिए, वो कीजिए, पेपर स्प्रे लीजिए, क्या कहते हैं, कुंग फू कराटे सीखिए, ये सब भी चाहिए। पर हम लड़कियों को जितना स्ट्रांग और ये कुंग फू कराटे वगैरह सीखना है, वो तो करना ही है, पहले उन मर्दों की गंदी सोच को कैसे निकालना है, वो उस पर ध्यान दीजिए। हमारे देश का कानून इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, किसी के दिमाग में भी ऐसा आए भी तो भी वो 100 100 बार सोचे, 100 बार। अगर एक मर्डर होता है ना, एक मर्डर होता है ना, वो आदमी तभी दम तोड़ देता है जब एक लड़की के साथ गंदा काम होता है। वो जितने दिन जीती है, उतने दिन वो मरती है, रोज रोज, पल पल, एक एक क्षण वो मरती है। जो जिसने उसके साथ वो गंदा काम किया, उसने कितनी बार उस लड़की का मर्डर किया?
अगर एक मर्डर की फांसी की सजा है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो उससे भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो जिंदा जिंदा रहे पर फिर भी जिंदा रहना ना चाहे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए उसे। मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती अंदर से कितना दर्द होता है कि हमारी एक जैसी बहन जैसी एक लड़की के साथ ऐसा काम होता है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती। मैंने न्यूज़, मतलब मैंने सोशल मीडिया न्यूज़ जिसका भी नाम लिया, मैं उन्हें चाहती हूँ, आप सब चाहे तो सब लोगों को और जागरूक कर सकते हैं। लॉ भी आप लोगों मतलब हर चीज़ में, मेरा कहने का मतलब यह है कि टीवी हो, न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जो कुछ भी होता है ना, ये सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए नहीं होता। वो पुराना जमाने थे, गए, किसके साथ कुछ हुआ छोड़ दो, पर हम कुछ कर, हम यहाँ पे बैठे, हम जाके कुछ कानून वगैरह बना नहीं सकते, पर उसके लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं। जब हम लोग सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ के जरिए कुछ कुछ भी अगर हम एकजुट होके बोलेंगे ना, तो वो सरकार पर प्रेशर पड़ेगा, तभी सरकार उस पर एक दृष्टि डालेगी, उसे और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगी। और मुझे हमारे मोदी जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इसका कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। और मैं प्रे करती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके गुनहगारों को सजा मिले। कितना भी सजा मिले, उसके प्रति जो अन्याय हुआ है ना, वो कभी न्याय में परिवर्तित नहीं हो सकता। हमें ये भगवान को प्रे करना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा फिर से ना हो। सब लोग ये प्रे कीजिएगा। आप लोग जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मेरे फायदे के लिए नहीं बोल रही हूं मैं ये, इसीलिए बोल रही हूँ। अगर मेरे जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, आदमी होंगे, जिसको भी, सारे मर्द खराब नहीं होते, सब लोग खराब नहीं होते, जो गिने चुने राक्षस होते हैं ना, वो सब ऐसे होते हैं। मैं इसीलिए मैं इसे इतना फैलाइए कि सारे लोग एकजुट होकर उसके न्याय के लिए प्रे करें। बस और कुछ नहीं, मैं आज सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूंगी, मैं एक ही बात कहूंगी, सिर्फ शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि टीवी हो, न्यूज़ हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जो कुछ भी होता है ना, ये सिर्फ एंटरटेनिंग के लिए नहीं होता। वो पुराना जमाने थे, गए, किसके साथ कुछ हुआ छोड़ दो, पर हम कुछ कर, हम यहाँ पे बैठे, हम जाके कुछ कानून वगैरह बना नहीं सकते, पर उसके लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं। जब हम लोग सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ के जरिए कुछ कुछ भी अगर हम एकजुट होके बोलेंगे ना, तो वो सरकार पर प्रेशर पड़ेगा, तभी सरकार उस पर एक दृष्टि डालेगी, उसे और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगी। और मुझे हमारे मोदी जी के
ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इसका कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। और मैं प्रे करती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके गुनहगारों को सजा मिले। कितना भी सजा मिले, उसके प्रति जो अन्याय हुआ है ना, वो कभी न्याय में परिवर्तित नहीं हो सकता। पर हमें ये भगवान को प्रे करना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा फिर से ना हो। सब लोग ये प्रे कीजिएगा। आप लोग जितना हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मेरे फायदे के लिए नहीं बोल रही हूं मैं ये, इसीलिए बोल रही हूं। अगर मेरे जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी, आदमी होंगे, जिसको भी, सारे मर्द खराब नहीं होते, सब लोग खराब नहीं होते, जो गिने चुने राक्षस होते हैं ना, वो सब ऐसे होते हैं। मैं इसीलिए मैं इसे इतना फैलाइए कि सारे लोग एकजुट होकर उसके न्याय के लिए प्रे करें। बस और कुछ नहीं। मैं आज सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कहूंगी, मैं एक ही बात कहूंगी, सिर्फ शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताइए। बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मुझे भी शर्म आ रही है क्योंकि ये बात 16 अप्रैल के बीच की है। मैं आप लोगों के बीच इसे अभी अब पेश कर रही हूं क्योंकि मुझे भी बस 2 घंटे पहले ही पता चली। ये बात में कितनी सच्चाई है मैं जानती नहीं थी। जब मैं इसे गूगल पे सर्च किया, उसके बारे में ज्यादा न्यूज भी नहीं है, बस थोड़े मतलब कर्नाटका, केरला, आंध्रा, साउथ की जो न्यूज चैनल है बस उसी में से कुछ वीडियो क्लिप्स है। हिंदी में तो ज्यादा न्यूज है भी नहीं। सॉरी फॉर दिस। कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, इसीलिए मुझे जैसे ही पता चला मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, आपके सामने ऐसे प्रस्तुत हो गए। अगर आप में से किसी को भी मेरी बात गलत लगे या बुरा, किसी को बुरा लगा हो, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करना भी मत भूलें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं कहीं पे गलत नहीं हूँ, मेरी बात गलत नहीं है। नमस्कार।